संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे जिलाधिकारी ने शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव की अध्यक्षता में डीएम अनु सिंह ने डीआईजी एसपी आरपी सिंह के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। काशीपुर निवासी दिव्यांग गुड्डू ने राशन कार्ड निरस्त हो जाने की शिकायत की। जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक मिश्रिक मयंक श्रीवास्तव को कार्ड जारी कराने के निर्देश दिए। लक्ष्मण नगर के मुन्ना बाबू, डेंगरा के रामप्रसाद, शिवथान के राम नारायण ने भूमि संबंधी शिकायतों के निपटारे की अर्जी लगाई। मिश्रिक नगर के शिवशंकर ने नगर में व्याप्त गंदगी की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। न्याय की उम्मीद में डीएम के समक्ष 101 फरियादी पहुंचे, जिसमें निपटारा सिर्फ 5 का ही हो सका। विधायक व जिलाधिकारी ने तहसील परिसर में डालमिया ग्रुप द्वारा लगवाए गए वाटर फ्रीजर का उद्घाटन किया। मिश्रिक तहसील सभागार में एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, सीओ सुशील यादव, तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, कोतवाल राकेश सिंह, वन विभाग से ब्रजभूषण सिंह, डॉक्टर पीके सिंह, एसओ मछलेटा राम प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। डीएम ने आई इंडिया को बताया, देखिए यहाँ पे जो अधिकांश जो समस्याएं आई है वो सरकारी जमीन पे कब्जे या पैमाइश से रिलेटेड है। पैमाइश हम लोग अभियान लगा के कर रहे हैं और उससे मेरा ये मानना है कि काफ़ी सारे जो जमीन संबंधी जो मामले हैं वो कम होंगे। कुछ समस्याएं यहाँ पे नगर पालिका से संबंधित भी आई हैं, उसको भी हम लोग बहुत गहनता से देखेंगे और उसका भी हम लोग तत्काल में निस्तारण करेंगे। मिश्रिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गंदगी व्याप्त है, आपने आश्वासन भी दिया था इससे पूर्व आने पर। नहीं, यहाँ पे कुछ समस्याएं चल रही है, कुछ वेतन संबंधी कुछ दिक्कतें वगैरह कुछ चल रही है, तो उसको हम लोग जल्द हम लोग रिजॉल्व कराएंगे और यहाँ पे एक बदलाव दिखेगा। जिले की अलग अलग तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में महमूदाबाद ने 89 में से 7, मोहली में 60 में से 5, सिधौली में 82 में से 6, बिसवा में 95 में से 3, लहरपुर में 107 में से 10 और सदर तहसील में 75 में से 4 शिकायतों का निस्तारण मौके पर किया गया।